नमस्कार साथियों साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, आज एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में फिर से एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और हो सकता है यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी हो। आपने सुना होगा और आपके साथ ऐसा अगर हुआ भी है जीवन में तो निश्चित मानकर चलें कि अब आप सावधान हो जाएं। साथियों, आपने देखा होगा बहुत से लोग रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाके दान धर्म भी करते हैं, उसके बाद भी बहुत परेशान रहते हैं और फिर वो बोलते हैं कि गुरुजी, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, सबका भला किया है, उसके बाद भी मैं आज इतनी तकलीफ से गुजर रहा हूँ कि पूछो नहीं। भगवान का पूजन करता हूँ, चारों पहर करता हूँ, नाम स्मरण करता हूँ, मंदिर रोज जाता हूँ, सुबह शाम जाता हूँ, उसके बाद भी मुझे अच्छे कर्मों का बुरा फल क्यों मिलता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको अच्छे कर्म करके बुरा फल क्यों मिलता है और वो कौन लोग होते हैं जो लोग बुरे से बुरा कर्म करते हैं फिर भी मस्त रहते हैं, पैसा उनके पास झमाझम आता है और आप इतनी पूजा पाठ सब करने के बाद आप दिनों दिन कंगाल होते जाते हैं, दिनों दिन तकलीफ में आते हैं, यहां तक कि झूठे और सच्चे केसों में भी फंसते चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद, यहां तक कि अपना अस्तित्व तक खत्म कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है आज इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ जरूर प्राप्त हो। साथियों, एक बात नोट कर लें, कहीं पर भी मेरी किसी भी जगह पर जो भी बात बताएंगे आपको बहुत सही बताएंगे और अगर इसका अमल कर ले जाएंगे तो निश्चित मानकर चलें जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में, क्योंकि कुंडली अगर आपकी है तो आप अपने आप में बहुत बड़ा सुधार कर सकते हैं। अगर कुंडली आपके पास है तो कुंडली को अभी पलटें और कन्या राशि के जातकों या सारी राशि के जातकों के लिए भी बोल रहा हूं, अगर आपका गुरु चौथे भाव में और दसवें भाव में बैठा है तो भूलकर भी मंदिर निर्माण में या मंदिर के कार्य में पैसे मत लगाओ। आप जितना मंदिर के बारे में सोचेंगे आप उतना नुकसान में होते चले जाएंगे, उतना ही नुकसान होगा आपका। और फिर आप बोलेंगे, दोष देंगे कि यार मैं तो भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, इस मंदिर में इतना दान किया, उस मंदिर में जाता हूँ तो 100 रुपए से नीचे भी नहीं रखता, दान पत्र में भी ना डाले कुछ और मंदिर के निर्माण में तो बिल्कुल पैसा ना लगाएं। करें, गरीबों की सेवाएं करें, देखिए लाभ होगा। जो रास्ते पर सफाई कर रहा है उसको 5 रुपए 10 रुपए की चाय पिला दें शनिवार के दिन, नसीब खुल जाएगा आपका नसीब। सड़क पर झाड़ू लगाते हुए कोई दिख जाए 10 रुपए की चाय, पैसे नहीं देने हैं, 10 रुपए की चाय पिला दें, क्योंकि चाय पिलाने का भी एक बहुत बड़ा तोड़गा है, उपाय है, उसके लिए भी वीडियो मेरी इसी चैनल पर है कि चाय किसी को पिलाने से क्या लाभ होता है, बहुत विस्तार से जरूर जाकर देखें। तो ध्यान रहे, अगर आपकी कुंडली में दसवें भाव में या फिर चौथे भाव में गुरु महाराज विराजमान है, गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है तो बिल्कुल मंदिर के निर्माण में आपको पैसे नहीं देने हैं, ना ही आपको दान पत्र में पैसा वहां डालना है। मंदिर के बाहर बैठे हैं लोग,
भिखारी हैं, भिक्षुक हैं, गरीब हैं, उनको खिलाएं, वो दुआएं काम आएंगी। और एक बात बता दें, मंदिर के अंदर आप जाते हो ना, जो देव मूर्ति है साक्षात नमन करते हैं, लेकिन कभी भी आज इस वीडियो देखने के बाद मंदिर के शिखर का दर्शन आप करके देखो। शिखर का, शिखर समझते हैं, मंदिर जब बनता है तो ऊपर गुम शिखर होता है, शिखर, शिखर के दर्शन आप करना शुरू कर दो। मंदिर के शिखर के दर्शन से ही बड़ा कोई दर्शन नहीं है उस देव स्थान का, क्योंकि आप मंदिर गए, मंदिर के तो दर्शन करके बाहर से आ गए, देव दर्शन हो गए, आपने सोचा बड़ा पुण्य कमा लिया। आपको असली पुण्य जब आप मंदिर के शिखर के दर्शन करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो मंदिर के शिखर के दर्शन जरूर करें, किसी भी मंदिर में जाएं। दूसरी बात ध्यान रखें, कोई भी मंदिर अपने घर में शिखर वाला ना रख लें, वास्तु दोष निर्माण करता है। और ध्यान रखें, कुंडली में उच्च ग्रह हैं तो उनका दान भूल कर मत करें, और नीच ग्रह हैं तो उनकी पूजा भी भूल कर मत करें। और यह सब चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो आपके पास अपनी कुंडली होगी, या फिर कुंडली नहीं है तो जन्म की तारीख और सही समय आपको पता है अपना, तो कुंडली विश्लेषण के लिए एक बार संपर्क जरूर करें। कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर क्या है, आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया जाएगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर आपको बता देंगे। तो ध्यान रहे, चौथे भाव में और दसवें भाव में गुरु बैठा है तो मंदिर में दान ना करें। और ऊंचे ग्रह बैठे हैं, उच्च के ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं, एक दो चार, चार बैठे हो तो आप राजा हो जाओगे। और मैं तो देखता हूं कुंडली में लोगों के चार चार ग्रह भी उच्च के बैठे हैं, उसके बाद भी वो दरिद्र हैं, परेशान हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो उच्च ग्रहों का दान कर रहे हैं, उच्च ग्रहों का दान। और पूजा किसकी कर रहे हैं? जो कुंडली में आपके नीच ग्रह बैठे हैं उनकी आरती उतार रहे हैं। उच्च नीच का मतलब समझते हैं, आपका गुरु उच्च का है कि नीच का, आपका शुक्र ऊंच का है कि नीच का, आपका सूर्य ऊंच का है कि नीच का, बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं ये छोटी छोटी बातें। और इनको कुंडली विश्लेषण में कोई भी नहीं बताता, सब बोल देंगे कि हाँ बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा, लेकिन अच्छा होगा तो कैसे होगा और बुरा होगा तो उसको रोका कैसे जाएगा, सब कुछ आपके हाथ में है। तो अगर चाहे तो कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर अपने कराएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, संपर्क कर सकते हो। कन्या राशि है तो हरे मूंग की दाल उतार कर जरूर डालें, उतारा डालें बिना गिने, और चार मुखी रुद्राक्ष धारण करें, मजा आ जाएगा साहब, सारे संकट, सारे कष्ट, सारी मुसीबतें साल। तो कुंडली विश्लेषण के लिए अगर रुद्राक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है रुद्राक्ष प्राप्त करने का बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।